तो मतलब आप इसके बारे में जानना चाहते हो, है ना? कोई बात नहीं, आज हम आपको पूरा बताएंगे कि ये कैसा है, आपको क्या खरीदना चाहिए इसे कि नहीं खरीदना चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो हम आज बात करेंगे वन प्लस वायरलेस जेड सीरीज का। नहीं, इसका नहीं करना है, सॉरी। तो आज हम बात करेंगे MI पावर बैंक का, सॉरी इसका भी बात नहीं करना है। सो जोक्स अपार्ट, मैंने एक गेमिंग लैपटॉप खरीदा है अभी, बहुत ही सही गेमिंग लैपटॉप, और ये है टॉप गेमिंग। तो उसके लिए मुझे माउस चाहिए था एक बहुत अच्छा विथ ग्रेटर DPI। तो मैंने बहुत सारे इंटरनेट में सर्च किया और मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया कि मतलब अफोर्डेबल और बेस्ट प्राइस में कौन से लैपटॉप हैं जो अच्छे मिल जाएं। तो मुझे ये लेनोवो लीजन सबसे अच्छा लगा। इसका जो मॉडल नंबर है, इसका मॉडल नंबर है M200 RGB गेमिंग माउस। लेकिन इसका RGB जो लाइटिंग है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन कोई बात नहीं, चलो अगर आपको अच्छे प्राइस में एक अच्छा माउस मिल जाता है विथ ग्रेटर DPI, मतलब आपको नहीं पता है तो मैं ये बता दूँ, जितना ज़्यादा DPI होगा उतना अच्छा गेमिंग होगा, ठीक है। तो इसमें 500 FPS तक गेमिंग हो सकती है। 500 FPS समझ रहे हो आप कितना ज़्यादा होता है। नॉर्मल गेम्स में हम 140-150 FPS तक खेलते हैं, लेकिन मेरे लैपटॉप में 200-230 FPS चल जाता है। तो 500 FPS अभी दूर है बहुत दिल्ली, ठीक है। तो आज हम इसका बात करेंगे और इसका हम देखेंगे क्या क्या अच्छा है और क्या क्या बुरा है। तो चलो गाइस इसे अनबॉक्स करते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं ऊपर का एक बार आपको बॉक्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं लीजन लिखा हुआ है और इसके कुछ बारे में लिखा हुआ है। तो ये है M200 RGB गेमिंग माउस, इसमें 6 बटन हैं और RGB बैकलाइट है और इसका 2400 DPI है। ये देखो, फोकस अभी नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। तो आप पीछे देख सकते हैं इसमें बहुत सारे इसके फीचर्स दिए हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, आप एर्गोनॉमिक शेप दिया हुआ है इसमें, मतलब आपको जो भी शेप आपको दिख रहा है वो एर्गोनॉमिक शेप है। फिर आता है ऑन द फ्लाई DPI स्विच, मतलब आप माउस उठा के भी स्विच दबा सकते हो, इसका स्विच यहाँ पर है। फिर आता है प्रिकर्सन व्हील विथ बैकलाइट, मतलब आपको जो ये आप घुमाते हो उसमें भी आपका बैकलाइट है। ये भी RGB इसमें भी आपको कलर मिलेगा। फिर आता है 2 साइड बटन, यहाँ जो साइड बटन है आपको मैं दिखा दूँगा अच्छे से, यहाँ जो 2 साइड बटन दिया हुआ है। फिर आता है RGB बैकलाइट, तो पूरा ये RGB है। तो चलो इसे अब खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसे यहाँ से खोला जाता है और फिर यहाँ एक बहुत ही अच्छा लोगो दिया हुआ है माउस का। तो इसे पीछे से खोलेंगे ऐसे, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो डॉक्यूमेंटेशन वही सब हैं जो इसमें, मतलब कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसको साइड में रखते हैं हमेशा की तरह और इसे खोलते हैं। तो ये खुलेगा कुछ इस तरह, रखना पड़ेगा पहले और ऐसे करके इसे आप निकाल सकते हैं। तो इन सबको साइड में रखते हैं और अब माउस देखते हैं। तो माउस आप देख सकते हैं यार, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो भी राइट हैंड वाले हैं उनके लिए बहुत ही सही माउस रहेगा, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड से यूज़ करते हो तो उतना आपको नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो साइड बटन हैं आपको यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन तब भी चलेगा। अगर आप तो यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। बाकी इसे चलो मैं अंदर इसमें स्विच करते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या है और कैसे कैसे ये लाइट्स चल रहे हैं। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं इसके बारे में। तो जो मैं लेफ्ट हैंडी और राइट हैंडी के बारे में बोल रहा था, तो मैं रिकमेंड करूँगा जो लेफ्ट हैंडेड लोग हैं ये उससे ना खरीदें, लेकिन लेफ्ट हैंड वालों को भी इसमें 4 बटन आराम से यूज़ करने में मिल जाएगा। जैसे मान के चलो मैं लेफ्ट हैंड से चला रहा हूँ, तो 2 बटन ये तो आपको रहेगा ही, और ये तीसरा बटन ये और चौथा बटन ये मिल सकता है। और लेकिन राइट हैंड वालों को पूरा 6 बटन्स का एक्सेस है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि लेफ्ट हैंड वाले दूसरा माउस देख सकें।
और आपके दिमाग में एक बात जरूर चल रही होगी, मुझे पता है कि आप Logitech का 402G आप खरीदने का सोच रहे होंगे और इसमें आप कंफ्यूज हैं। तो देखो कंफ्यूज मत रहो यार, लाइट अभी बंद होना था, तो कंफ्यूज मत रहो, आप इसे खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका प्राइस भी आप देख सकते हो, ये 1400 का है और वो 2200 का है, तो आपको ठीक ठाक नहीं बहुत ही अच्छा मिल रहा है। इसका एक अपग्रेड मॉडल भी है जिसमें 6000 DPI है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव वाले के लिए है, जैसे टूर्नामेंट ये सब डायनो वगैरह हैं, ये सब वो डायनो नहीं, ये जो मॉडल वगैरह हैं ये सब वो लोग खेलते हैं। तो ये मतलब ये बहुत ही अच्छा गेमिंग माउस है, हम जैसे बिगिनर्स और मॉडरेटर मतलब जो भी अच्छा खासा गेमिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका कैसा रिस्पॉन्स है। तो इसे मैं इंसर्ट कर दिया और ये तुरंत ही ऑन हो गया। बाकी माउस में क्या होता है कि जैसे आप Logitech का माउस खरीदते हो और HyperX का माउस खरीदते हो तो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके बॉक्स में लिखा हुआ है पहले से ही कि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, विंडोज 7, 8, विंडोज 8.1 और 10 में ये डालते ही चलने लगेगा। और आप देख सकते हैं ये डालते ही चलने लगा, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्स टाइम भी मुझे बहुत ही सही मिल रहा है और ये फील बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो आप देख सकते हो आपके कीबोर्ड में भी RGB रहेगा और आपके माउस में भी RGB रहेगा, आपको बहुत ही अच्छा और मज़ा आएगा गेमिंग करने में। तो इसके मैं अभी आपको दिखाता हूँ बटन्स, तो दो बटन्स आपको यहाँ दिख सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये दो बटन हो गए और आपको तीसरा बटन, ये DPI जो लिखा हुआ है ये तीसरा बटन ये है, चौथा बटन ये जो रोलिंग करने वाला जो नीचे ऊपर करने वाला होता है ये भी एक बटन ही है, और 1 2 3 4 5 बटन हो गए और ये 6 बटन हो गया। तो इसमें जैसे कि लिखा हुआ है 6 बटन्स, तो अभी ये प्रूव होता हुआ इसमें 6 बटन है। सो फार सो गुड, अभी आपको कुछ इसमें गेम्स खेलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। Spike planted. I am the hunter. Come on, let's go. तो मैं ऐसे ही वीडियोस डालते रहता हूँ, लैपटॉप गेम PS4 एंड एवरीथिंग। तो गेमिंग से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और मैं व्लॉग भी करता हूँ, तो एक बार मेरा व्लॉग आप चेक करेंगे तो मुझे, भाई रुको, एक बार ज़रा व्लॉग चेक कर लेना यार, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आप व्लॉग चेक नहीं करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, तो एक बार जाके थोड़ा मतलब 1-2 मिनट देख लो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो और नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा।
So if you like this video for whatsoever reason, then don't forget to hit the like button, channel में subscribe करो, ऐसे videos आते रहते हैं, तो मिलते हैं अगले video में, till then bye, शुक्रिया for watching. तो